हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर कैसे हम जो है इसके फ्रेमवर्क के बारे में बात की थी, इसके फीचर्स के बारे में बात करी थी, तो अभी वन बाय वन हम इसके ऊपर जो है एक चलते हैं और हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं जिससे हम अपने मैनेजमेंट सिस्टम को वह ईज़िली वे में रन कर सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर इसका सेशन जो है वो सिलेक्ट करी है कर लिया है 2024-25 का। इसके बाद जो है हम फ्रंट ऑफिस का देखते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर एडमिशन इंक्वायरी है, एडमिशन इंक्वायरी में जैसे आज की डेट है 19 तारीख, यहाँ पर कोई विजिटर आता तो हम उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुकेश आता है, मुकेश कुमार, फ़ोन नंबर हम इसका रैंडमली रख लेते हैं, कोई भी ईमेल भी इसकी हम रैंडमली रख लेते हैं, एड्रेस हम इंडिया रख लेते हैं, रेफरेंस का यहाँ पर जैसे किसी दूसरे पेरेंट्स से पूछा होगा, सोर्सेज के एडवर्टाइजमेंट के जरिए कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है, वो फर्स्ट क्लास है, नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, जैसे मान लो एक लिख लिया है या हम यहाँ पे दो लिख लेते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिए गए नोट वगैरह दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ABC, और फिलहाल के लिए हम ऐसे ही इसको रख लेते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गया है इसका। इसके बाद जो है विजिटर बुक है, अगर कोई पर्सन आता है और एडमिशन के लिए, जैसे मान लीजिए विजिटर करता है, यहाँ पर उसका नाम आ गया, यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर आ गया, आईडी कार्ड वगैरह आ गया, नंबर ऑफ पर्सन जो भी यहाँ पर, डेट ऑफ टाइम, टाइम का आ गया, डेट आ गया उसकी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखिए सेवर्स इन टाइम और आउट टाइम कौन कौन सा है, ये तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्मार्ट सूट जो है वो रन होगा, वर्क करता है। फ़ोन कॉल लोग हैं, जैसे किसी का फ़ोन आता है किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो एडमिशन के लिए, चाहे वो रिक्रूटमेंट हुआ है टीचर के लिए, तो यहाँ पर जो है वो उसका प्रॉपर व्यू आ जाएगा, नाम वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह। आगे पोस्ट डिस्पैच और रिसीव है, कोई भी जैसे आपको पोस्ट वगैरह आती है उसमें आपने रिसीव करी है, उसका ये यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें टाइटल, रेफरेंस, एड्रेस का आ गया यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आ गया, कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं आया, कंप्लेन है, कंप्लेन कौन सी करनी है, कौन सी करनी है, यहाँ पर वो दिया गया है। जैसे ये जो ये यहाँ पर टीचर कंप्लेन है, ये इसको मैंने पहले ना यहाँ पर सेटअप किया हुआ था, तो हम सेटअप फ्रंट ऑफिस में आएंगे, यहाँ पर पर्पस, पर्पस को कौन से, जैसे फॉर एडमिशन है या फिर फॉर टीचिंग के लिए है, यहाँ पर हमने इसको सेव के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचिंग का आ गया पर्पस लिस्ट, कंप्लेंट टाइप है, कंप्लेंट अगर यहाँ पर टीचर कंप्लेन आ गई, स्टूडेंट की कंप्लेन आ गई, सोर्सेस, सोर्सेस के अंदर जैसे एडवर्टाइजमेंट है या दूसरा कोई भी आप सोर्स यहाँ पर रख सकते हैं उसका, इसमें दिया गया है रेफरेंस, रेफरेंस आप किसी का भी दे दीजिए, जैसे यहाँ पेरेंट्स का हो गया, स्टूडेंट का हो गया, रेफरेंस में आप तीसरा टीचर भी ऐड कर सकते हो, टीचर का रेफरेंस हो गया और एडमिशन के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये दी गई हैं, तो अभी हम जैसे कंप्लेन में जाएंगे तो यहाँ पर कंप्लेन जो है वो टीचर कंप्लेन पहले का तो इसमें मेंशन किया हुआ, उसके बाद स्टूडेंट कंप्लेन यहाँ पे आ गई, सोर्स आप दे सकते हैं, सोर्स ABCD, कंप्लेन वाई, कंप्लेन वाई जैसे यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुकेश लिख लिया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद डेट होगी कौन सी डेट को इसमें वो किया गया है,
एक्शन टेकन, अभी एक्शन लेना है या क्या करना है उसमें है। आप देख सकते हैं साइन का हो गया, डॉक्यूमेंट है जैसे एप्लीकेशन वगैरह दी गई हो कंप्लेंट की, तो उसमें ये मेंशन आउट हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें ऐसे दी गई हैं। इसको मॉडल को इस तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो ये तो आ गया आपका फ्रंट ऑफिस का। इसके बाद जो है हम जब नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे तो हम बात करेंगे स्टूडेंट एडमिशन के बारे में, तो कैसे स्टूडेंट एडमिशन होती है, कैसे क्लास पर क्या होता है। तो मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।